प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पीएम किसान सम्मान निधि योजना के 9.75 करोड़ लाभार्थी किसानों के खाते में 19,509 करोड़ रुपए ट्रांसफर किया। इस योजना की यह 9वीं किस्त है। इस स्कीम के तहत सरकार की तरफ से प्रत्येक वर्ष किसानों के खाते में 2,000 रुपए की 3 किस्त ट्रांसफर की जाती है। इसके बाद पीएम ने अपना संबोधन किया। साथियों, ये आप भली भांति जानते हैं कि देश के 80% से अधिक किसानों के पास 2 हेक्टर तक ही जमीन है। आने वाले 25 साल में देश की कृषि को समृद्ध करने में इन छोटे किसानों की बहुत बड़ी भूमिका रहने वाली है। इसलिए अब देश की कृषि नीतियों में इन छोटे किसानों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। इसी भावनाओं के साथ बीते सालों में छोटे किसानों को सुविधा और सुरक्षा देने का एक गंभीर प्रयास किया जा रहा है। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत अब तक 1,60,000 करोड़ रुपए किसानों को दिए गए हैं। इसमें लगभग 1,00,000 करोड़ रुपए तो कोरोना के मुश्किल समय में ही छोटे किसानों तक पहुंचे हैं। यही नहीं, कोरोना काल में ही 2 करोड़ से ज्यादा किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए, जिनमें से अधिकतर छोटे किसान हैं। इनके माध्यम से किसानों ने हजारों करोड़ रुपए का ऋण भी लिया है। कल्पना कीजिए, अगर ये मदद छोटे किसानों को ना मिलती तो 100 वर्ष की इस सबसे बड़ी आपदा में उनकी क्या स्थिति होती। उन्हें छोटी छोटी जरूरतों के लिए कहां कहां नहीं भटकना पड़ता। भाई और बहनों, आज जो कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, जो कनेक्टिविटी का इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, या फिर जो बड़े बड़े फूड पार्क लग रहे हैं, इनका बहुत बड़ा लाभ छोटे किसानों को ही हो रहा है। आज देश में विशेष किसान रेल चल रही है। इन ट्रेनों से हजारों किसानों ने अपना उत्पाद कम कीमत में, ट्रांसपोर्ट का खर्चा बहुत कम, देश की बड़ी बड़ी मंडियों तक पहुंचाकर अधिक कीमत से माल बेचा है। इसी प्रकार जो विशेष इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, इसके तहत भी छोटे किसानों के लिए आधुनिक भंडारण की सुविधाएं तैयार हो रही है। बीते साल में 6,500 से अधिक प्रोजेक्ट स्वीकृत हो चुके हैं। ये प्रोजेक्ट जिनको मिले हैं उनमें किसान भी हैं, किसानों की सोसाइटी और किसान उत्पादक संघ भी है, सेल्फ हेल्प ग्रुप भी है और स्टार्टअप्स भी हैं। हाल में एक और बड़ा फैसला लेते हुए सरकार ने तय किया है कि जो राज्यों में हमारी सरकारी मंडियां हैं उनको भी इस फंड से मदद मिल सके। इस फंड का उपयोग करके हमारी सरकारी मंडियां बेहतर होगी, ज्यादा मजबूत होगी, आधुनिक होगी। अब से कुछ दिन बाद ही 15 अगस्त आने वाला है। इस बार देश अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। ये महत्वपूर्ण पड़ाव हमारे लिए गौरव का तो है ही, ये नए संकल्पों, नए लक्ष्यों का भी एक बहुत बड़ा अवसर है। इस अवसर पर हमें ये तय करना है
कि आने वाले 25 वर्षों में हम भारत को कहां देखना चाहते हैं। देश जब आजादी के 100 वर्ष पूरा करेगा 2047 में 2047 में, तब भारत की स्थिति क्या होगी ये तय करने में हमारी खेती, हमारे गांव, हमारे किसानों की बहुत बड़ी भूमिका है। ये समय भारत की कृषि को एक ऐसी दिशा देने का है जो नई चुनौतियों का सामना कर सके और नए अवसरों का भरपूर लाभ उठा सके। भाई और बहनों, इस दौर में बहुत तेजी से हो रहे बदलावों को हम सभी साक्षी हैं। चाहे मौसम और प्रकृति से जुड़े बदलाव हो, खानपान से जुड़े बदलाव हो, या फिर महामारी के कारण पूरी दुनिया में हो रहे बदलाव हो, हमने बीते 1.5 वर्ष में कोरोना महामारी के दौरान इसको अनुभव भी किया है। इस कालखंड में देश में ही खान पान की आदतों को लेकर बहुत जागरूकता आई है। मोटे अनाज की, सब्जियों और फलों की, मसालों की, ऑर्गेनिक उत्पादों की डिमांड अब तेजी से बढ़ रही है। इसलिए भारतीय कृषि उसको भी अब इसी बदलती आवश्यकताओं और बदलती मांग के हिसाब से बदलना ही है। और मुझे हमेशा से विश्वास है कि हमारे देश के किसान इन बदलावों को जरूर आत्मसात करेंगे। लखनऊ नानक शाही मठ पहुंचा धमकी भरा पत्र, मंदिरों आरएसएस कार्यालयों को उड़ाने की धमकी, रजिस्टर्ड डाक से भेजा गया धमकी भरा पत्र, महंत धर्मेंद्र दास को मिला धमकी भरा पत्र, बड़े मंदिरों पर पीएसी बल किया गया तैनात। लखनऊ कैसरबाग चौराहे पर लगातार जाम जारी, कैसरबाग चौराहे पर नित्य लगने वाले जाम से राहगीर परेशान है, लेकिन अभी कोई समाधान नहीं निकल पा रहा है। हालांकि जाम का कारण हो रहा धीमी रफ्तार का निर्माण कार्य है जो अभी तक पूरा नहीं हो सका है, जबकि कुछ दिन पहले मंत्री बृजेश पाठक ने स्थान का मुआयना कर संबंधित अधिकारियों को कार्य को अंजाम दिए जाने का निर्देश दिया था जो अभी तक नहीं हो पाया। यूपी के प्रतापगढ़ में डबल मर्डर से सनसनी, दो दलित युवक की हत्या कर धान की खेत में फेंका, दोनों युवक के शरीर पर चोट के निशान, शौच के लिए सुबह दोनों दोस्त घर से निकले थे, एसपी समेत भारी पुलिस बल घटना स्थल पर पहुंचे, पट्टी कोतवाली के सपत छाप गांव की घटना। सारी की सारी टीमें यहां पे आई है और घटना स्थल का निरीक्षण किया गया, फील्ड यूनिट के द्वारा साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई है और इसमें परिजनों की तरफ से हत्या की आशंका जताई गई है जो तहरीर दी है। इसमें मुकदमा पंजीकृत कर पोस्टमार्टम के साथ में अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। साथ ही साथ में इसमें 4 टीमों का गठन किया गया है ताकि पूरी घटना का निष्पक्ष गहनता के साथ और इसमें अनावरण किया जा सके। सर पे भी जांच, देखिए अभी घटनास्थल के निरीक्षण से कुछ चीज़ें आई हैं, कुछ चीज़ें लोगों के द्वारा भी बताई गई है, हर बिंदु पर गहनता से जांच की जाएगी और उसमें जो भी प्रकरण सामने निकल के आएगा उसी के। दिल्ली सरकार की कोरोना वायरस से संबंधित हुई एक अहम बैठक में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। इस मीटिंग में कोरोना वायरस के डेटा शेयर करते हुए बताया गया कि कोरोना वायरस की जांच के लिए दिल्ली से भेजे गए सैंपल्स में से 80% में कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट की पुष्टि हुई है। ओवैसी के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराएंगे सपा नेता सुनील सिंह, निजी टीवी चैनल के डिबेट कार्यक्रम में ओवैसी ने सुनील सिंह पर साधा था निशाना, मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने का सुनील सिंह पर लगाया था आरोप। अखिलेश नहीं तो सब कुछ है। अच्छा ये बात बताइए, हिंदू वाहिनी का वो शख्स जिसका वीडियो आज भी जिसने कहा था कि मुस्लिम औरतों को खबर से निकालकर उनका रेप करो, आज वो समाजवादी में बैठा हुआ है, तो कौन सा सदरसम है? समाजवादी पार्टी में बैठा हुआ है, उसका नाम नहीं लेना चाहता हूं मैं। आप बताइए, ऐसा दिखता है कि नूरा कुश्ती बीजेपी और समाजवादी में हो रही है? साइलेंट अलाइनमेंट, ये तो बीजेपी का कैंडिडेट होगा या नहीं आप ही बोल दीजिए कि होगा, लड़ेगा? क्यों नहीं लड़ेगा, हम लोग के यहाँ जहाँ कैंडिडेट होगा वहाँ पे लड़ेंगे और हम लोग 403 सीटों में गठबंधन को छोड़ के बाकी सीटों पे भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर
यूपी के जौनपुर में गार्ड की गोली मारकर हत्या के बाद लूट, पैसों से भरा बैग लेकर बदमाश फरार, 5 लाख कैश होने की जताई जा रही आशंका। एटीएम गार्ड ने भी की थी जवाबी फायरिंग, अस्पताल पहुंचते ही एटीएम गार्ड की मौत, एटीएम में पैसा डालते समय गार्ड को मारी गोली, बक्सा क्षेत्र के धनियामो बाजार का मामला। यूपी के मेरठ में हाईवे पर सीमेंट भरा ट्रक लूटने का मामला, 9 बदमाशों को किया गिरफ्तार, 5 फरार, ट्रक काटने वाले 4 बदमाश गिरफ्तार, बदमाशों ने ड्राइवर को बंधक बनाकर फेंका था, सर्विलांस टीम, सरूरपुर पुलिस को सफलता। नोएडा, कार का टायर पंचर हो जाने कारण यमुना एक्सप्रेस पर टायर बदल रहे लोगों को तेज गति से आ रहे एक वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे 3 लोगों की मौत हो गई और एक व्यक्ति घायल हो गया। कानपुर में यमुना नदी अपना रौद्र रूप दिखा रही है, नदी के किनारे बसे गांवों में पानी घुस चुका है, लोग छतों पर रहने को मजबूर हो गए हैं। भारतीय सेना ने अपने आप को मजबूत बनाने का इरादा कर लिया था। इस ऑपरेशन को नाम दिया गया था स्नो लेपर्ड, जिसके तहत 14,000 से लेकर 17,000 फीट की ऊंचाई पर शून्य से नीचे तापमान में सरहद की रक्षा में तैनात भारतीय जवानों को आधुनिक हथियारों से लैस किया जा रहा है। इसके साथ ही ऊंचाई वाले इलाकों में 93 भीष्म 72 टैंकों की तैनाती शुरू कर दी गई है। ओम प्रकाश राजभर बोले अखिलेश को सीएम होना चाहिए। वाराणसी में सुहेलदेव समाज पार्टी के अध्यक्ष ने कहा योगी साधु हैं, उन्हें मंदिर में ही रहना चाहिए। उसके जाएंगे क्योंकि हमारी उनकी जो बात है कि कहीं भी चला जाएगा तो बातचीत करके ही हम लोग चलेंगे, तो वो देखिए राजा के लक्षण परिलक्षित होते हैं। आज उत्तर प्रदेश की जनता बीजेपी को हराने के लिए एक विकल्प के रूप में समाजवादी पार्टी की तरफ लोग देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त दे सकती है। बस सिर्फ इतना है कि अखिलेश यादव जी जितने क्षेत्रीय पार्टियां हैं, छोटी छोटी पार्टियां जिसको कहते हैं लोग, इन सबको साथ मिला लें तो फिर भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुलेगा उत्तर प्रदेश में। भैया मेरे, हम तो कई बार आप लोगों से भी कह चुका हूँ, खुले मन से कहता हूँ, भागीदारी संकल्प मोर्चा का दरवाजा खुला है। भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, तो आप नहीं जाएंगे वहाँ, वो लोग आएंगे या आप जाएंगे? क्या हम तो तैयार हैं, दरवाजा खोल के बैठे हैं, चाहे जिसको पीना हो आ जाए। सरकार उनको बनाना है कि हमको बनाना है? देखिए अखिलेश जी ने काम किया है भाई, ये भारतीय जनता पार्टी, आप लखनऊ खड़ा हो जाइए 10-90 पर, आपको दिखेगा रिवर फ्रंट, आप वहां मायावती का काम भी दिखेगा। आप आगरा के लिए निकलिए, लखनऊ से आगरा एक्सप्रेसवे, आप सारे लोग जानते हैं कि अखिलेश जी ने बनवाया। और अखिलेश जी ने एक काम नहीं किया, ये योगी जी कहते हैं ना कि मोदी जी योगी जी की हम किसानों का धन दुगुना करते हैं, कोई ऐसा चट्टी चौराहा गांव नहीं है जहां अखिलेश जी की 100 नंबर की गाड़ी न खड़ी हो। एक बार पत्रकार अखिलेश जी की गाड़ी जा रही थी चौराहे पर, गाड़ी रुकी आगे का एक लाल सिग्नल हो गया, गाड़ी रुक गई, तब तक पत्रकार पूछ गए कि भाई अखिलेश जी आप बताइए आपकी सबसे अच्छी योजना क्या है। For latest news update and press the bell icon to get all the latest video updates.